चंद्रमुखी। उठा ले भाई, मैं बिजी हूँ। उठाओ। किसकी बिजी? बिजी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। हेलो, चौकी ऑफ ईमान। क्या क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? हो गया? तू तो ऐसे ही थरथरा रहा है जैसे कि तने वो, अरे बेटा गोपी ना, के नाम है उस सीरियल किलर का? जी मैडम जी, घनशु घनश्याम। ना तू तो ऐसे बेबी तो रहा है जैसे तने उस घनशु घनश्याम का फोन आ गया हो। अरे मैडम, उसका फोन नहीं आया, लेकिन उसके बारे में ही फोन आया था मैडम। मैडम, इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो घनशु घनश्याम को हमारी पुलिस चौकी में भेज रहे कुछ पूछताछ के लिए। सारा पुलिस डिपार्टमेंट ये कहता है कि वो पूछताछ करने वाले को सर से मारकर घायल कर देता है। हाँ मैडम, उसका सर नहीं है, पहाड़ है, पहाड़। वो मार मार के सामने वाले को चूर चूर कर देता है। मैडम मुझे छुट्टी चाहिए, प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए प्लीज। तुम बालको टेंशन कोई ना लो, आन दो उस घनशु घनश्याम ने। मैडम वो आ चुका है। दूल्हे राजा, यो चौकटा तो दिखा जा। शैम्पू लगा के बाल को पहले मैं टायर डाल के अंदर धर लू। मैडम आप इस तरह इस डंडे को तेल क्यों पिला रही हैं? बचाओ! शांतिरा खल्ला ना काट के हो गया तने। ओ मैडम जी, वो घनशु घनश्याम ना जी, मैं जी उसको खाना देने गया था जी, वो तो मुझे ही खाने को दौड़ पड़ा जी। रास की यो हिम्मत, ये डंडे ने जो तेल पिला रही हूँ ना, उसके मुंह में ठूस के आती हूँ मैं। मैडम मैडम, छोटा मुंह बड़ा पेट, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार यही समझाना चाहता हूँ, मैडम आप उसके पास मत जाइए। ना यो इन्फॉर्मेशन है कि सजेशन? मैडम ना सजेशन है ना इन्फॉर्मेशन, ये तो इमोशन है, इमोशन। मैडम सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या, मेरा मतलब हमारा क्या होगा? देखो बेटा ना, मौत से वो लोग ही डरा करें जिन्हें जिंदगी से कोई प्यार हो ना, और जिंदगी से उन्हें प्यार होवे जिनसे कोई प्यार करे, और मन्ने तो दूर दूर तक कोई प्यार करने वाला ना है। अरे मैडम मैडम, आप ऐसा क्यों सोचती है? सर आपसे प्यार करते हैं ना। हाँ जी जी मैडम जी, मेरे दिल में भी कभी कभी यही ख्याल आता है। नहीं मैडम, यूं हिम्मत मत हारिए, एटलीस्ट एक लास्ट ट्राई तो मारिए। अरे मैं तो टिराई मारने की एक साल से कोशिश कर रही हूँ, पर यो साबित कैसे होगा कि तुम्हारा थानेदार जो है हमारे से प्यार करे? अरे मैडम आपने शोले देखी है? यहाँ हमारी जवानी पे ओले बरस रहे हैं ना, तन्ने शोले याद आ रही है? नहीं नहीं मैडम, शोले मतलब टॉस, टॉस शोले में टॉस था ना मैडम। अगर हेड्स आएगा तो सर आपसे प्यार करते हैं, और अगर टेल्स आया मतलब तो भी वो हमारे से ही प्यार करे। मतलब मैं भी तो वही कह रहा था मैडम, टॉस करे, टॉस टॉस। बड़ा टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं। रे बावड़ी पूछ, नहीं तो भगवान ने भी डिसाइड कर लिया है कि मारे से कोई प्यार ना करेगा, मैं जा रही हूँ। नहीं मैडम, डोंट गो, डोंट गो। गुलगुले मैडम को कोई आइडिया तो दो। मैडम मैडम, सिंपैथी वेव ना, वो क्या हुए? मैडम आप एक्टिंग कीजिए जैसे आपको कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। मैडम अगर सर आपसे प्यार करते हैं तो वो आपका केयर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे मैडम, और अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो गुड आइडिया, वेरी गुड। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। अरे ए ए सॉरी सॉरी, वो मिस हो गया था यार। अब जाता है मेरा दूध दे क्या? इडियट। आज ये डोले और शोले दोनों हो जाए। हे चंद्रमुखी, ताकि थारे जो डोले ना और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। शट अप,
देखिए आप हमें छू नहीं सकते, वरना वरना तू मन्ने छू लेगा, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले धर तो सही। जाइए जाइए, अरे आप कोई हूर है, कोई परी है जिसके पीछे हम लट्टू हो जाएंगे? अरे जाइए और जाके अपना सड़ा हुआ चेहरा आईने में देखिए। अरे मैं छुड़ा ले, क्या डीरा में बिरामे लगा रखा आपने? उठिए जल्दी, उठिए उठिए। अरे आप अपने कान खोलिए और उठिए उठिए। हाँ सर, उठने का वक्त तो आ ही गया है। क्या मतलब? मतलब ये सर जी के मैडम ने कहा था ये राज उनके मरने तक छुपाना, सर को मत बताना। राज? कैसा राज? सर जी राज ये है कि मैडम जी बहुत बीमार हैं और मरने वाली हैं जी। कितनी अभागन है हमारी मैडम, जिस इंसान से प्यार किया उसी ने उनकी ये हालत कर दी। साफ साफ बता, तेरे कहने का मतलब क्या है? सर मैडम के दिल का पंप वीक हो गया है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं सर। हाँ सर जी, ये जो दिल का पंप होता है ना जी, किसी की मोहब्बत पाने से जोर जोर से चलने लगता है जी, और ब्लड की पंपिंग तेज हो जाती है और सेहत भी मजबूत हो जाती है जी। आप तो मैडम के करीब कभी आए ही नहीं, प्यार से मुस्कुराए ही नहीं। सर दर्द आपने दिया है, अब दवा भी आप दीजिए सर। हाँ सर जी फटाफट कीजिए, जिससे मैडम जी का दिल का पंप दोबारा चलने लग जाए। सर मैडम को कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे सर। सर कुछ कीजिए ना सर, प्लीज मैडम को अपनी बाहों में उठाइए सर और उनके घर तक छोड़ कर आइए, और कल सुबह उनको वापस लाने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी सर। इट इज योर ड्यूटी। मैडम का केस हो रहा है, गॉन। कम ऑन सर, कम ऑन सर, उठाइए सर, उठाइए उठाइए सर। कितनी कमजोर हो गई है, कितनी दुबली हो गई है बेचारी, उठाइए सर प्लीज। ओके ओके, तुम्हारी मैडम तो बहुत दुबली हो गई यार। हाँ वो तो है सर। घर तक सर जा रहा हूँ। बुलबुला मेरे लिए वो पीठ का वो बलम लेके आई हो? हाँ सर, आप घर बहुत दुबली हो गई है। नहीं, मैं अपने आपको कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। एक्चुअल मैं आपको कभी नहीं माफ कर पाऊंगा गॉड भाई साहब, क्योंकि ये गलती सारी आपकी है। अरे यार पहली बारी मैंने जिंदगी में किसी से सच्चे दिल से प्यार किया और आपने उसकी लाइफलाइन काट दी यार, और ऊपर से आपने मुझे ब्रह्मचर्य के ढोंग में फंसाकर मेरा जीना हराम कर दिया यार। अरे आई एम फ्रस्ट्रेटेड यार। अरे मेरे भी कोई नीड्स है यार। काश मैं कभी चंद्रमुखी को अपने दिल से, अपने होठों से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कह सका कि चंद्रमुखी आई लव यू चंद्रमुखी, आई लव। चंद्रमुखी तुम? ओहो, तो इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा। तो अगर तुमने सब कुछ सुन लिया तो तुम मेरे होठों से डायरेक्ट टू डायरेक्ट सुन लो, चंद्रमुखी आई लव यू। अबे तू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं तो सिर्फ आपको कहने आया था सर। आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ तू उसे भूल जाएगा। मैं तो खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। करने क्या ऐसा यहाँ पे सर? सर मैं तो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करने आया था सर कि मैडम को एक बार आई लव यू कह दीजिए सर। सर प्लीज सर, मैडम को एक बार आई लव यू कह दीजिए सर। हो सकता है आपके आई लव यू कहने से उनके दिल का पंप ठीक हो जाए और उनकी जान बच जाए सर। प्लीज प्लीज एक बार कह दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज। तुम जाओ यहाँ से। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम जी देखना, अब तो आपकी डोली उठकर रहेगी, बस बुलबुले शुभ समाचार लेकर आता ही होगा जी। मैडम 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 मैडम, अरे हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जल्दी बोल के खबर लाया है। मैडम अंदर तो सर एकदम भौराए हुए सांड की तरह पगला रहे हैं। अरे बेटा जीजा जी के लिए सांड जैसा शब्द कोई ना यूज करते। सॉरी मैडम मैडम, लेकिन मेरा आइडिया, मेरा मतलब आपका आइडिया एकदम सक्सेसफुल हो गया है सर, तो अब आपको आई लव यू कह के ही रहेंगे। तू तो हमारे भेज में आएगा, अरे तू भी आएगा। भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? उधर देखिए सर ने सब कुछ सुन लिया। शर्म आनी चाहिए आपको मिस्टर डाला, मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलते हुए। What do you think? I'm a bloody joker? अरे मैं तो आप पर तरस खा रहा था क्योंकि मुझे लगा आपकी तबीयत असल में खराब, और आपने मेरा मजाक बना दिया।
एक बात आप कान खोल करके सुन ले मिस चौटाला, कल की डेट में अगर आप सड़क पर मर भी रही होंगी ना तो मैं आपकी तरफ देखूंगा नहीं, समझी? आई हेट चंद्रमुखी योग। मैडम मैडम आप घबराइए मत, आपने शोले देखी है? अरे यो सब थारे एडिया की वजह से हुआ है, मरने किसी का कोई एडिया ना चाहिए। अरे मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, सुसाइड। चौकी के पीछे जो जमीन हमने हड़प रखी है ना, ना वहीं पर मरने दफना देना, और वहां पे एक ताजमहल पार्ट टू यानी कि आजमहल बनवा देना, ताकि मक्खन सिंह अपने केबिन की खिड़की से मरने दिन रात देख सके। ये मरने कोई ना चाहिए। मक्खन सिंह मैं जा रही हूँ। घनश्याम घनश्याम तेरी तो। अरे घनश्याम घनश्याम चली जाओ यहाँ से शैम्पू लगा के। अरे शैम्पू कोई ना लगाने आई मैं, ना मैं डंडा लगाने आई हूँ, ना जितनी पूछताछ होती है ना यो मारा डंडा करता है घनश्याम घनश्याम। मैडम मैडम ओए वो क्या कर दिया हमारी मैडम जी को? शैम्पू लगा दिया। शी नीड्स एन एम्बुलेंस गॉड डैम इट। क्या एम्बुलेंस को बुला लो जल्दी। मैडम मैडम हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। यस हमारी मैडम को बहुत चोट लगी है। अच्छा लेकिन अपनी मैडम ये मेरा नंबर एम्बुलेंस को लगाओ। सर ओहो बैंगन भाई आज हमारे दर्शन कैसे? अब कौन सा नया नाटक लेके आया तू? सर सर वो मैडम खबरदार अगर उस काई औरत का मेरे सामने नाम मिले तूने, अगर आज के बाद तू और तेरी मैडम मुझे दिखाई दिए तो मैं तेरी बेल्ट उतार कर तेरी पिटाई करूंगा, समझे? सर सर उस घनश्याम घनश्याम ने मैडम को घायल कर दिया है, पर मैडम हॉस्पिटल में है, कोमा में है मैडम, कोमा में। कोमा कोमा? अरे अगर वो कोमा में है तो हम इन्वर्टेड कोमा में है, समझे? और वैसे भी तुम और तुम्हारी मैडम यहाँ पे बकवास के सिवाय और क्या करते क्या हो? और देखो आज से ये नया नाटक जो है ना अपने पास रखो तुम। सर मैं मानता हूँ जो कुछ पहले हो रहा था वो ड्रामा था, लेकिन ये सच्चाई है सर। सर मैडम सचमुच हॉस्पिटल में, प्लीज प्लीज जाकर मैडम से एक बार मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए सर। मैं जानता हूँ मैडम से बहुत प्यार करते हैं सर। शट अप, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा बकवास करने की मेरे साथ? नहीं जाऊंगा। सर आप जाएंगे, आप जाएंगे। सर सर सोचिए, अगर मैडम ऑफ होकर ऊपर चली गई तो आप जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे, बस कोसते रहेंगे। सादा पान। Bloody idiot. कहीं सच तो नहीं कह रहा था? लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चंद्रू क्या गुड भाई साहब, ये अच्छा मजाक किया आपने हमारे साथ। अरे कल रात से जब हमने अपनी मिस चौटाला को अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश देखा, अरे हमारे तो होश ही उड़ गए यार। काश कोई होता जो हमारी मदद कर सकता। अरे गुरु तुम, और ये तुम किसे पकड़ ले आओ? अरे ये हमें पकड़ कर नहीं लाया है, हम इसको पकड़ कर लाए हैं। ये हमारे चमत्कारी बाबा तूर तुम्बा की जेब काट रहा था, लेकिन इसको नहीं मालूम कि हम इतने चमत्कारी हैं कि सब कुछ देख सकते हैं। पकड़ लो इसे। अबे ओए बुड्ढे पका मत, वैसे भी अभी हम बहुत परेशान है यार, हमारी मिस चौटाला अस्पताल में है यार। क्या बात कर रहा है, देख के तो नहीं लग रहा था। हाँ गुरु वो तो मुझे भी नहीं पता था यार, वो तो गुलगुले ने मेरे को बताया। कमाल है यार, भाभी जी ने 9 महीने पूरे कर लिए, अस्पताल पहुंच गई है और गुलगुले के बताने पर तुझे पता चला। अरे गुरु भाई आप प्लीज अपनी ना ये विशेष टिप्पणियां अपने पास रखिए। अरे यार वो थोड़ी है यार प्रॉब्लम, वो यार उनको सर पे चोट लगी और वो कोमा में चली गई यार। अच्छे तुम किसी परेशानी में लगते हो। नहीं मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई ऑब्वियस है कि हम परेशानी में हैं यार। तुम चाहो तो तुम्हारी परेशानी का हल हम ढूंढ सकते हैं। कैसे? सर हम अस्पताल से आ रहे हैं सर, और डॉक्टरों का कहना है कि मैडम का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सर।
काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। तो हम सब कुछ करने को तैयार है भैया, दुआ भी कर लेंगे, क्या करना है हमें? तुम्हें कोयले पर चलना होगा। कोयले पे? अच्छा ठीक है ठीक है, हम कोयले पे चलने के लिए तैयार है। ठंडे कोयले पे नहीं, गरम कोयले पे चलना होगा। क्या? क्यों यार? जब दिल में जज्बा हो तभी दुआ काम करती है। तो फिर ये जज्बेदार जज्बाती हवलदार है ना आपके सामने, इनका नाम है महिंद, मेरा मतलब है मुलायम सिंह गुलगुले, ये चलेंगे कोयले पे? नहीं 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 बाबा, वो नहीं सर, वो क्या है ना कि कल मेरा भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस है ना, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। साले तू कब से नाचने लग गया? नहीं सर, वो कभी भी रात को टाइम मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ तो बाबा जी, ये है हमारे दूसरे नमूने, गोपीनाथ गंडोटरा बहादुर नौजवान हवलदार, ये चलेंगे कोयले पे? नहीं नहीं सर जी, मेरा तो कल ना मेरे मोहल्ले में ना कल फुटबॉल का मैच है जी, मैं कैसे? कोकी तुम चल के दिखाओगी ना? मुझे पैरों पे कोयला नहीं मेहंदी लगाना है, क्योंकि मेरे घर का लड़के वालों को मुझे देखने आना है। तीनों के तीनों निकम्मे। Bloody idiots. यार गुरु यार तुम तो चल दो। सर सर आप मैडम के लिए इतना भी नहीं कर सकते सर, इतना तो बनता है सर। चलिए ठीक है ठीक है, हम कोयले पे चलने के लिए तैयार हैं। गोपी फटाफट से जा, एक छोटी सी ट्रे लेके आ, उसमें एक दो छोटे छोटे चुन के कोयलों के पीस लेके आ, ठीक है? नहीं, पेशेंट के कद के बराबर कोयलों को बिछाना होगा और उस पर तुम्हें पार करके जाना होगा। अरे यार ये क्या बकवास है यार, है? मतलब आजू बाजू 4 फुट की औरतें घूम रही है, ये मिस चौटाला को भी 6 फुट कौन था? सर 6 फुट 2 इंच सर। पता है। चलिए हम मिस चौटाला की जान बचाने के लिए चलते हुए कोयलों से गुजरने के लिए तैयार हैं। ओसी वजी तोरा यागी तोरा मोरा हम्मा, ओसी वजी तोरा यागी तोरा मोरा हम्मा, आसी वजी तोर तम्मा, का है बच्चा? बाबा कहीं सर इस पर चलकर बारबेक्यू तो नहीं हो जाएंगे? ए बच्चे को बुलाओ। वो शायद थोड़ा डर रहे होंगे, मैं बुलाता हूँ। सर 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 अरे बाबा ये जरूरी है कि हमें ही कोयले पे चलना होगा? हम इन दोनों मोटे लोगों को नहीं चला सकते कोयले पे? अच्छा अगर तुम इस कोयले की आग पर चलोगे और ऊपर वाले से दुआ करोगे तो तुम्हारी महबूबा की जान बच जाएगी। अच्छा लेकिन बाबा एक बात आप कान खोल करके सुन लें कि अगर बाय चांस हम कोयले में चल गए और चंद्रमुखी की जान नहीं बची, फिर हम आपको लॉकअप में डाल देंगे। घबराओ मत, सिर्फ हिम्मत करो और चलो। ठीक है हम करते हैं। अरे भाई तालियां को बुलाओ। ऑल द बेस्ट सर। हियर सर बाबा अब तो हमारी चंद्रमुखी ठीक हो जाएंगी ना बाबा? बाबा मक्खन सिंह कौन? अरे कौन है भाई? मक्खन सिंह मैं हूँ। कौन? मक्खन सिंह मैं हूँ चंद्रमुखी। योग क्या कर लिया तूने? सर जी आपने तो कमाल कर दिया जी, तत्ते कोयलों पे चलकर आपने मैडम जी की जान बचा ली जी। सर आप तो मैडम के क्रिश हो गए। क्रिश? देखा हमारा करिश्मा, आखिरकार इस बच्ची की जान बच गई। अरे यो किसने धर के लायो ना इसके करिश्मे की ऐसी की तैसी? ना मैं तो सवेरे ही भली चंगी होगी थी, होश में आ गई थी। अरे यो तो डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लग गया और तन्ने तो बेरा है गुलगुले, तूने बताया ना सबको। कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे मेरा पैर जला दिया। अरे पर मक्खन सिंह ना जो तूने आज हमारी खातिर करा है ना इन गरम गरम कोयलों पे चल के, उससे तो एक बात डेफिनेट होगी है कि तू हमारे से घना प्यार करता है। इब जरा एक बार अपनी जबान से भी कबूल कर ले और बोल दे आई लव यू चंद्रमुखी। अरे जाइए यार आई लव यू की चाची। अरे हम आपके लिए थोड़ी चल रहे थे कोयलों पर, अगले हफ्ते में जाना ना रेगिस्तान टाकू रेतिया सिंह को पकड़ने के लिए। वहां पे रेगिस्तान में गर्म रेत होती है ना, तो इसीलिए हम कोयलों पर चढ़ के प्रैक्टिस कर रहे थे रेत पे चलने की।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.